बुजुर्गों के लिए पेंशन अब टेंशन बनती जा रही है, जिससे परेशान होकर बुजुर्गों ने गांव पाई में जाम लगा दिया। बता दें, बैंक में पेंशन लेने में आ रही समस्याओं के चलते आज राजोन पुंडरी मार्ग पर बुजुर्गों ने जाम लगा दिया। बुजुर्गों ने आरोप लगाया कि 2 से 3 दिन से बुढ़ापा पेंशन आई हुई है, लेकिन गांव पाई के सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में कैश न होने की बात कहकर अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं बुजुर्ग बैंकों के धक्के खा रहे हैं और उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिला कृष्णा, संतरो देवी मूर्ति अजमेरी, बतेरी संतोष, हांसो देवी कमला आदि ने पत्रकारों से अपनी समस्या को साझा करते हुए कहा कि उनकी पेंशन 2-3 दिन से बुढ़ापा पेंशन के रूप में आई हुई है, परंतु गांव के बैंक में कैश न होने की बात कहकर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि भीषण गर्मी के इस मौसम में बुजुर्गों को नारेबाजी करने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कितने दिन तक चक्कर लगा रहे हो? 3 दिन हो गए। 3 दिन से भी आए। अच्छा, खबरनामा हरियाणा के लिए पाई से संजय ढुल और कृष्ण प्रजापति की रिपोर्ट।